हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डायनाग्लिप टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। डायनाग्लिप टैबलेट का मुख्यतः उपयोग टू टाइप्स डायबिटीज की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करते है, क्या इस्तेमाल होते है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैनकाइंड फार्मा कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 65 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। डायनाग्लिप टैबलेट में टेनलीग्लिप्टिन 20 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद टेनलीग्लिप्टिन यह ड्रग बॉडी में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर कम होता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल डायबिटीज की समस्या दूर करने में किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट की डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपके शुगर लेवल पर निर्धारित रहता है, इसलिए हमेशा आपकी शुगर लेवल चेक करके ही इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर से पूछ ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की अनुमति से करते हैं या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना, दस्त, स्वाद में बदलाव, भूख की कमी होना, पेट दर्द, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है या फिर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया हो तो आप मीठा खाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। अगर आप पहले से कोई डायबिटीज से जुड़ी कोई टैबलेट ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या फिर आपको लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।